हिमाचल में लॉन्च होगा ऑपरेशन लोटस, गिरेगी कांग्रेस की सरकार। जयराम ठाकुर का ऐलान, कभी भी सरकार बना सकती है बीजेपी। बीजेपी हाईकमान जल्दबाजी के पक्ष में नहीं, वादे पूरा करने का देगी कांग्रेस को मौका। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अभी 3 सप्ताह पहले ही बनी है, मंत्रिमंडल का तो गठन भी नहीं हो पाया है। विधायकों की शपथ 4 जनवरी को है, लेकिन सरकार गिराने की बातें होने लगी हैं। दावे हो रहे हैं कि जल्दी हिमाचल में ऑपरेशन लोटस लॉन्च हो जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व CM जयराम ठाकुर के बयानों को आधार बनाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान से इशारा मिलते ही राज्य में ऑपरेशन लोटस लॉन्च कर दिया जाएगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हाईकमान अगर मंजूरी देता तो कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका भी नहीं मिल पाता, और शायद इसी के चलते कांग्रेस ने आनन फानन में सरकार बना ली। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में मतगणना हुई, शाम को चुनाव परिणाम आए। चुनाव परिणाम आने के 24 घंटे में ही कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुला ली। 9 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हुई, विधायकों ने नेता चयन का अधिकार हाईकमान को सौंप दिया, और फिर 10 दिसंबर को हाईकमान के फैसले को मानते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू को विधायक दल का नेता चुन लिया, और 11 दिसंबर को नए CM ने शपथ भी ले ली। ये जल्दबाजी इसलिए हुई थी कि कांग्रेस बीजेपी को मौका नहीं देना चाहती थी। खतरा उसे ऑपरेशन लोटस का लग रहा था, और अब हिमाचल प्रदेश के पूर्व CM जयराम ठाकुर ने तो संकेत दे दिए हैं, वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने सरकार तो बना ली है, लेकिन ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा। मंडी जिले में जनता के बीच पहुंचे हिमाचल के जयराम ठाकुर ने कहा, हम सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, उसको गिराने का नहीं। प्रदेश में बीजेपी 5 वर्षों में कभी भी सरकार बना सकती है, जिसके लिए बीजेपी को ऑपरेशन लोटस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि कांग्रेस के भीतर ही इतने सर्जन हैं कि वो कांग्रेस का लोटस ऑपरेशन करने के लिए तैयार बैठे हैं। जयराम ठाकुर ने तो साफ कर दिया कि अभी सिर्फ CM का चयन हुआ है और कांग्रेस में नाराजगी शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ये नाराजगी और बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार आपस की फूट से ही खुद गिर जाएगी। बीजेपी को ऑपरेशन लोटस लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संकेत साफ है, पार्टी हाईकमान के आदेश के चलते अभी तक बीजेपी ने कदम नहीं बढ़ाया है। वैसे भी सरकार अभी ही बनी है, और इसे गिराकर अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो पूरे देश में गलत मैसेज जा सकता है। इसलिए फिलहाल लोकसभा चुनाव तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए बीजेपी हाईकमान भी तैयार नहीं है। पार्टी नेताओं का दावा है, कांग्रेस ने 10 गारंटी के नाम पर प्रदेश की जनता से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा कर पाना आसान नहीं है। इसलिए पहले कांग्रेस को मौका देना चाहिए, उसने जो वादे जनता से किए हैं पहले उन्हें पूरा करे। अगर कांग्रेस वादे पूरे नहीं कर पाती है तो पार्टी में खुद ही असंतोष बढ़ता चला जाएगा। वैसे भी OPS स्कीम का मामला हो या फिर महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने की स्कीम, इसे कांग्रेस के नेता ही मुश्किल बता रहे हैं। OPS को लेकर पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार भी फंस गई है, क्योंकि तीनों सरकारों ने OPS को लेकर अध्यादेश तो पास कर दिया, लेकिन इस योजना को लागू नहीं कर पा रही है, क्योंकि पेंशन के लिए देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं, और हिमाचल प्रदेश की हालत तो इन राज्यों से भी ज्यादा खराब है। ऐसे में अगर कांग्रेस सरकार जनता से किए वादे पूरा नहीं कर पाएगी तो बीजेपी कभी भी सरकार गिरा सकती है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सुक्खू सरकार के पास भी अभी 43 विधायक का समर्थन है, जिसमें से 40 तो कांग्रेस के ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्थ अर्पण न्यूज़।